चैप्टर नंबर टू रिलेशन एंड फंक्शन असाइनमेंट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नाइन से स्टार्ट करते हैं। इससे जो पहले वाले क्वेश्चंस हैं वो सभी मैं अपनी क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं। जो मैंने रेंज डोमेन से रिलेटेड जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो सब असाइनमेंट से ही थे। अभी कुछ क्वेश्चन जो मैं नहीं डिस्कस करे हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं असाइनमेंट सॉल्यूशन के। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स। हमें रेंज और डोमेन निकालनी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू माइनस मोड एक्स। देखिए रेंज और डोमेन में हम क्या चीज चेक करते हैं, रूट में नेगेटिव और फ्रैक्शन में जीरो नहीं बनना चाहिए। अभी इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मोड एक्स ना रूट है ना फ्रैक्शन में कुछ है, तो जो डोमेन होगी इसकी वो पूरी रियल नंबर आएगी। और अभी हम बात करते हैं रेंज की, तो रेंज में आप देखिए भाई जो मोड एक्स होता है, मोड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, क्लियर है, मोड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो मोड की वैल्यू होती है ना वो हमारी जीरो से इनफाइनाइट के बीच में होती है। ये तो क्लियर है ना कि जो हमारे पास मोड एक्स है, मोड एक्स हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो जो मोड एक्स को हमने पहले पॉजिटिव रियल नंबर रखा, देखिए ये जीरो, ये माइनस इनफिनिटी, ये इनफिनिटी, मोड एक्स होगा वो जीरो से लेकर के इनफिनिटी के बीच में लाइन रहेगा। लेकिन हमारे पास क्या है, माइनस। जब हम माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर तो जो इनइक्वालिटीज है ये तो इधर बन जाएगा हमारा माइनस इनफिनिटी बन करके, और ये जीरो इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब कोई चीज हम पॉजिटिव से नेगेटिव में करेंगे, मान लीजिए ये सब पॉजिटिव हैं और मैंने इसमें माइनस, इन सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये सभी पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएंगे, तो यहां से उठ करके ये यहां आ जाएंगे, तो माइनस इनफिनिटी से जीरो। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, y की। भाई y मींस fx, भाई इसे तो y कहते हैं। तो जो रेंज आएगी हमारी यानी कि y की जो वैल्यू है वो माइनस इनफिनिटी से जीरो आएगी। और वैसे भी आप इसको वैसे भी कर सकते हो, मोड x पॉजिटिव होगा और बाहर माइनस है तो नेगेटिव होगा, तो सारे नेगेटिव रियल नंबर्स के अंदर आ जाएंगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, डोमेन तो रियल नंबर है क्योंकि फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, रूट में कुछ नहीं है। अब बात आती है रेंज। देखो मोड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चन मोड से रिलेटेड है वो कैसे स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम लिखेंगे मोड एक्स माइनस थ्री जो है वो जीरो से इनफिनिटी के बीच में लाई करेगा, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, क्लियर। माइनस से मल्टीप्लाई करनी है जैसा कि इसने क्वेश्चन में कहा है। जैसे ही हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज तो इधर आ जाएगी, और ये माइनस, इसमें माइनस लगाएंगे, इसमें भी माइनस लगाएंगे, और ये इधर पहुंच जाएगी, तो जीरो में माइनस लगाएंगे तो वो जीरो ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वन प्लस करेंगे। देखो वन इधर प्लस कर दिया, वन इधर प्लस करेंगे तो वन आएगा। इनफाइनाइट में प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस वन करोगे तब भी इनफाइनाइट रहेगा, माइनस करोगे तब भी इनफाइनाइट रहेगा। तो आप देखिए ये हमारे पास क्या है, एफएक्स, एफएक्स मींस वाई। तो जो इसकी रेंज आई वो आई है ओपन इंटरवल माइनस इनफिनिटी टू क्लोज इंटरवल वन। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी हमारा मोड से रिलेटेड है। तो डोमेन रियल नंबर, रेंज जीरो से इंफिनिटी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थ्री प्लस करेंगे, इधर थ्री हो जाएगा और इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेंज आई ओपन इंटरवल माइनस
रेंज आई ओपन इंटरवल माइनस इनफिनिटी टू क्लोज इंटरवल 3. सो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 एंड 41 बोथ आर रिलेटेड टू मॉडुलस. सो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं. देखिए डोमेन डोमेन रियल नंबर में से 4 माइनस कर दीजिए बस, क्योंकि 4 पर नीचे 0 बन रही है, बाकी से कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है. ऐसे ही अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो वो रियल नंबर में से आप -2 बाहर कर दीजिए, -2 रखने पर 0 बन जाएगी, तो नीचे 0 नहीं बननी चाहिए बस. अब आइए रेंज की बात करते हैं. रेंज मतलब y की वैल्यू. तो y है हमारे पास दिस. अब देखिए हमें मॉडुलस की डेफिनेशन पता है, पूरा एक हमने क्लास दी थी मॉडुलस के ऊपर, ग्राफ भी बनाए थे. अगर किसी का मॉडुलस पढ़ा हुआ नहीं है तो वो मॉडुलस फंक्शन वाली क्लास देख लेंगे. फिलहाल अब आप देखिए x माइनस 4 की जो वैल्यू होती है ना वो पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है. x ग्रेटर देन 4, x लेस देन 4, ध्यान से देखना. अब अगर मैं ये दोनों वैल्यू यहां पर पुट करता हूं, अब आप देखिए सबसे पहले x ग्रेटर देन 4, मान लीजिए x ग्रेटर देन 4 है तो जो मोड की वैल्यू है वो x माइनस 4 है. जब मैं ये वैल्यू y में डालता हूं, इसके प्लेस पर मैं ये वैल्यू y में डालूंगा तो कट के y की वैल्यू आई 1. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब जब भी x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी होगी, 4 होगी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5.1, 10.100, 100.5, 99.8, कुछ भी वैल्यू होगी, y की सिर्फ एक वैल्यू आएगी 1. आप इसमें x की वैल्यू 4 से बड़ी कुछ भी डाल के देख लो, कुछ भी 5 डालोगे तो ऊपर भी 1 आएगा नीचे भी 1 आएगा तो कट के 1 आ गया. 7 डालोगे तो ऊपर भी 3 आएगा नीचे भी 3, कट के 1 आ गया, तो हमेशा y की वैल्यू 1 होगी. फिर सेकंड केस है हमारे पास x लेस देन 4. जब x लेस देन 4 होगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी. जब इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो y की वैल्यू जब हम यहां पर डालेंगे नेगेटिव में ही डालेंगे इसके अंदर तो कट के कितना आ गया -1. इसका मतलब देखिए ये पूरी रेंज है इसकी, ये बीच में आ गया 4, ठीक है, जो हमने 4 बाहर निकाला है. तो यहां से आगे तो y की वैल्यू 1 और यहां से पीछे y की वैल्यू -1, तो एंटायर डोमेन के अंदर अगर हम देखें तो y की दो ही वैल्यू आ रही हैं, 1 और -1. तो इसकी जो रेंज आएगी, इस फंक्शन की जो रेंज आएगी वो क्लोज इंटरवल 1 से लेकर के -1, सॉरी क्लोज इंटरवल नहीं बनेगा, इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट बनेगा, क्योंकि इंटरवल अगर हमने क्लोज इंटरवल बना दिया तो -1 और 1 के बीच की वैल्यू भी इंक्लूड हो जाएगी, जबकि सिर्फ 1 और -1 ही y की वैल्यू है. सेम यही क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा वैसा ही है, आप इसे खुद भी कर सकते हैं, पर चलो जब मैंने लिख दिया तो मैं कर देता हूं. x प्लस 2 की वैल्यू 2 होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव x ग्रेटर देन -2, x लेस देन -2. अब सेम y की वैल्यू देखो, अगर x ग्रेटर देन -2 होगा तो मोड ऑफ x प्लस 2 होगा, तो y की वैल्यू अब मैं ये वैल्यू यहां पर डालूंगा नीचे तो x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 1 आई, और y की वैल्यू लेंगे लेस देन -2 तो मोड ऑफ x प्लस 2 हमारे पास आ गया दिस. तो जो fx की हमारे पास वैल्यू है वो x प्लस 2 और माइनस x प्लस 2, ये भी कट कितना आ गया -1. तो जो रेंज आएगी हमारी वो कर्ली ब्रैकेट -1 to 1. सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ऊपर भी नीचे भी जब सेम होता है और एक जगह मोड हो ऊपर या नीचे तो उनकी जो रेंज होगी वो हमेशा 1 से -1 ही, मतलब 1 और -1 ही आएगी. सो पॉज द वीडियो नोट डाउन.
क्वेश्चन नंबर 40 डोमेन, डोमेन तो क्लियर है, आर की वैल्यू जीरो होगी तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, तो सिर्फ जीरो पर ही नॉट डिफाइंड है, ये कर दिया हमने जीरो बाहर। अब आइए जो मोड एक्स होता है इसकी दो वैल्यू है एक्स और माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और एक्स लेस देन जीरो, मतलब एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा और जब एक्स लेस देन जीरो होगा। तो अब यहां देखिए आप, सबसे पहले एक्स ग्रेटर देन जीरो जो डोमेन है इसकी जीरो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी टोटल है, तो यहां पर चेक कर लेंगे, यहां पर चेक कर लेंगे, जो भी रेंज आएगी वो हम नोट कर लेंगे। सबसे पहले x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो जो मोड x की वैल्यू है हमारे पास वो x है, और जब x लेस देन जीरो है मतलब इधर, तो जो मोड x की वैल्यू है वो माइनस x है। तो एक बार ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, एक बार ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तो मोड x जब हम यहां पर रखेंगे तो एफ एक्स मीन्स वाई की जो वैल्यू है एक्स माइनस एक्स अपॉन टू एक्स इक्वल टू जीरो, और जब मोड एक्स माइनस एक्स है तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन टू एक्स, ये आएगा माइनस वन, माइनस एक्स माइनस टू एक्स। तो अब आप देखिए यहां पर तो जीरो वाई की वैल्यू और यहां पर y की वैल्यू माइनस वन है, यहां से लेकर के यहां तक पूरे इंटरवल में जीरो और यहां से लेकर यहां तक माइनस वन, बात खत्म, दो वैल्यू y की। तो जो रेंज है हमारी वो आई है जीरो और माइनस वन। सपोज द वीडियो नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, आप ध्यान से देखिए जरा, डोमेन तो क्लियर है, एफ एक्स इज डिफाइंड इफ एक्स माइनस फोर नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स नॉट इक्वल टू फोर, तो जो हमारी डोमेन आएगी इसकी वो आएगी रियल नंबर में से आप फोर माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब बात आती है रेंज की, जो y की वैल्यू है वो 4 माइनस x अपॉन x माइनस 4 है, ठीक है। अब हम यहां से क्या करेंगे, देखो रेंज कैसे निकालेंगे, अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं तो ये कट गया, y कितना आया माइनस 1, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर y की वैल्यू माइनस 1 है। अब यहां पर x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे y की वैल्यू हमेशा माइनस 1 ही रहेगी। अगर मैं यहां पर भी x की वैल्यू डालता हूं, देखो यहां पर आप x की कोई भी वैल्यू डाल लो, चलो x की वैल्यू मैंने 5 डाल दी, ऊपर माइनस वन नीचे वन तो कितना आ गया माइनस वन, x की वैल्यू मैंने 7 डाल के देखी तो माइनस 3 अपॉन 3 फिर माइनस वन, x की वैल्यू माइनस 9 डाल के देखते हैं सिर्फ और सिर्फ माइनस वन। सपोज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं असाइनमेंट के वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो मैंने इससे पहले वाली क्लासेस में डिस्कस नहीं किए हैं, तो जो क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूं इसका मतलब है कि वो मैं अपनी पहले की क्लासेस में सभी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो आप वहां से कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास एक, क्वेश्चन नंबर 12 है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब आप जरा ध्यान से देखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, डोमेन तो क्लियर है, एफ एक्स इज डिफाइंड इफ दिस नॉट इक्वल टू जीरो एक्स नॉट इक्वल टू 3। अब
जो एफ एक्स है हमारे पास वो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस थ्री है, मतलब जो वाई की वैल्यू है। अच्छा डोमेन क्या आई यहाँ से, डोमेन आई रियल नंबर में से सिर्फ और सिर्फ थ्री को बाहर निकाल दीजिए, बाकी किसी नंबर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रेंज की बात करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई हमने यहाँ पर, तो वाई आया हमारा एक्स प्लस थ्री, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात देखिए, आपने जो डोमेन, अब सुनिए मेरी बात, जो आपने डोमेन ली है, डोमेन में आपने x की वैल्यू 3 नहीं ली, यह x नॉट इक्वल टू 3। अब ध्यान से देखना, जब x 3 के इक्वल नहीं है, आप ऊपर मना कर चुके हो कि x 3 नहीं है, जब x 3 नहीं है तो y 6 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जब हम x की वैल्यू यहां पर 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 6 तभी तो बनेगा, जब आपने ऑलरेडी पहले बोल दिया कि x 3 है ही नहीं तो y 6 कैसे हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब जो इसकी रेंज आएगी वो आएगी रियल नंबर में से सिर्फ 6 को बाहर निकाल दीजिए, क्यों? क्योंकि 6 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। 6 क्यों नहीं हो सकता, जब 6 कब बनेगा, जब x3 होगा, x3 हमारे पास हमने ऊपर माना कर दिया नहीं है तो y भी 6 नहीं है, काम खत्म, आंसर आ गया। नोट करिए, देखिए हमें डोमेन और रेंज निकालनी है, fx equal to 1 upon under root of x minus greatest integer value of x। तो सबसे पहले ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस फंक्शन को मैंने आपको पूरी क्लास में एक में डिफाइन किया था, इसका ग्राफ भी हमने बनाया था, मैं समझा देता हूँ एक बार। देखिए इसमें जब मैं x की वैल्यू 2.5 रखेंगे तो 2 आएगी, 3.9 रखेंगे तो 3 आएगी, 4 रखेंगे तो 4 आएगी, माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 3 आएगी, माइनस 3.2 रखेंगे तो माइनस 4 आएगी। अब आप यहां पर आप देखिए जरा, जब जब x की वैल्यू कंप्लीट इंटीजर होगी, जैसे x की वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उन सब पे इसकी वैल्यू वही आएगी। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान देखना जरा कि अब सुना, जब x बिलोंग करेगा z में, ध्यान से देखना, x इज इंटीजर, जब भी x इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा x के इक्वल आएगी। देख लीजिए 4 पे 4, माइनस 3 पे 3, और मान लीजिए x की वैल्यू माइनस 5 आएगी तो वैल्यू माइनस 5 आएगी, 6 रखोगे तो 6 आएगी, क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x के इक्वल होगा तो नीचे 0 बनेगी। तो अब आप देखिए ध्यान से, इसको मैं इधर ले जाता हूं, तो x माइनस दिस इक्वल टू 0 इफ x बिलोंग्स टू z। अब आप देखिए यहां से, जब जब x z में बिलोंग करेगा इसकी वैल्यू 0 होगी और नीचे क्या बनेगा, नॉट डिफाइंड। तो यहां पर हम लिखेंगे fx इज नॉट डिफाइंड इफ x बिलोंग्स टू z। इंटीजर्स जब जब होंगे नीचे 0 बनेगी। मान लीजिए मैंने 4 लिया तो 4, ये भी 4, 0 बन गई, ये भी माइनस 3, ये भी माइनस 3, 0 बन गई। तो इससे क्या होगा कि हमेशा नीचे 0 बनेगी जब जब भी x इंटीजर होगा। जब x इंटीजर होगा तो 0 बनेगी और बाकी पे 0 नहीं बनेगी। तो जो डोमेन आएगी हमारी वो आएगी रियल नंबर में से आप इंटीजर्स को माइनस कर दीजिए। भाई इंटीजर्स पे प्रॉब्लम आ रही है, बाकी किसी पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रियल नंबर के अंदर जो इंटीजर्स है उन्हें बाहर निकाल दो। भाई रियल नंबर में क्या होता है, सब नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं, सब इंटीजर्स रियल नंबर होते हैं, सब रेशनल रियल नंबर होते हैं, सब इरेशनल रियल नंबर होते हैं, उन सब में से इंटीजर बाहर निकालो और बाकी बात काम खत्म। अब बात आती है रेंज की, अब हम रेंज और देखिए जरा, सुनो रेंज से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पर एक चीज। देखो x माइनस दिस ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा, ठीक है, ये क्या होगा हमारा ऑलवेज लेस देन 1। क्यों होगा ये ऑलवेज लेस देन 1, पहले मैं लिख देता हूं। चलो रेंज की बात करते हैं हम, देखिए जब x माइनस दिस इज ऑलवेज लेस देन 1, क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। देखिए
मान लीजिए x की वैल्यू है हमारे पास 5.5, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी? 5। जब हम x में से ये माइनस करोगे आप तो कितना आया? 0.5 लेस देन 1। तो x में से जब आपने देखो किसी नंबर में से आपने उसका इंटीजर पार्ट माइनस कर दिया तो क्या बचा? कोई भी नंबर जो होता है हमारे पास, कोई भी नंबर होता है उसमें इंटीजर पार्ट होता है एक तो, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट होता है। क्या होता है? प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। जब आप किसी नंबर में से इंटीजर माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? फ्रैक्शनल पार्ट, पॉइंट वाला आर वो क्या होगा? वन से छोटा होगा हमेशा। तो अब आप देखिए x माइनस दिस इज ऑलवेज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये नोट है इसके अंदर, ध्यान रखना 0 से बड़ा होगा। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है और मैंने आपको पहले भी समझाया था फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है तो 0 से बड़ा होगा। अब हम क्या करेंगे, ये समझ में आ गया आपके जो लिखा है हमने, ये नोट है इसका, याद रखना इसे। अब इसको इसके ऊपर रूट लगा दीजिए। मैं रूट क्यों लगा रहा हूँ वो भी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये बनाना है तो इसको रूट है, रूट लगा दिया। रेसिप्रोकल कर दो क्योंकि फ्रैक्शन में है। जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा लेकिन इधर आ जाएगा, और ये भी उल्टा हो जाएगा लेकिन इधर आ जाएगा। भाई जो चीज छोटी है वो बड़ी हो जाएगी, जो चीज बड़ी है वो छोटी हो जाएगी जब हम रेसिप्रोकल करते हैं। जैसे 5 बड़ा है 3 से लेकिन 1/5 छोटा है 1/3 से। जैसे ही आप उल्टा करते हो तो फ्रैक्शन जो जब उल्टा करते हो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक, तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट। और ये क्या है? y। तो रेंज हमारी आई ओपन इंटरवल 1 से इंफिनिटी। सपोज द वीडियो है नोट इट डाउन, सो जो हमारी क्लास है उसमें असाइनमेंट में जितने भी रेंज डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सभी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप पूरे असाइनमेंट से क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, जो प्रॉब्लम आती है वो हम डिस्कस करेंगे क्लास में। सो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे।